लोग कहते हैं कि मेकअप, पूछे मुझे मेकअप कौन सा करना, क्या करना, मेकअप तो नहीं करना चाहिए, इसलिए नहीं क्योंकि बहुत सारे ग्लीस केमिकल, चर्बियाँ वगैरह क्या 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 उसमें कंटेंट यूज़ करते, 3471 3472 की हराम कोट वट, इसलिए बेहतर है कि कहे मेकअप यूज़ करना है सबसे बेहतर। तुम लोगों को जैसा क्वेश्चन करते लोग, मैं यही कहूँगा मेरे तरफ से कि तुमको मेकअप के बजाय जिक्र अस्कार करो, जिसमें दरूद शरीफ ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो। दरूद शरीफ पढ़ने वाले को मेकअप करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जो मेरे कुछ सवाल करते बच्चे होने जो उन्होंने भी उनका दे दिया हूँ मैं ये जवाब। और रही बात दूसरी एक कि जिन्नात अलग होते हैं, शैतान अलग है, चुड़ैल अलग है, खबीस अलग है, सब उसमें अलग अलग पद। जिन्नात और शैतान भी खुद जादू टोना करना जानते हैं, उनको भी वो अमल आते हैं जादू टोने के। बाकी जादू टोना जो चलता तो वो रूहानियत के ऊपर और रूहानी खेल से चलता, वो अलग मसले, सब अलग अलग दास्तान है। इसलिए इतना ही कहूँगा मैं कि ज़्यादा डेफिनेशनों में जाने की और ज़्यादा उसके थेरियों को सीखने की, जितना ज़्यादा तुम गहराई से स्टडी करोगे तो उसको पता चलेगा इस बारे में। बस इतना ही कहूँगा, इससे ज़्यादा और क्या कहूँ। जो मेन टॉपिक था उसका तो जवाब दे दिया मैंने कि दरूद शरीफ ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो। जो बच्चों को रिश्ते हो नहीं हो रहे, जिनको रिश्ते नहीं आ रहे, लोग देख के चले जा रहे, बोल रहे कैसी सूरत है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है शैतानों मेरे सामने हाजिर होकर ये भी बोले शैतानों ने कि जब भी इसका रिश्ता था हम इसकी शक्ल बिगाड़ देते थे ताकि इसका रिश्ता होना नहीं, इसके मुंह उड़ा देते थे चेहरे का। तो बेहतर है कि तुम क्या करते जाओ, जिक्र अस्कार दरूद शरीफ ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो। जिस दिन भी रिश्ता लगा उस दिन चेहरा खुद बहुत चमकना चालू हो जाएगा, और जब वो चमकेगा आसमान से फरिश्ते उतर के मेकअप करते, कोई मेकअप करने की जरूरत नहीं है। कैसा मारने वाला है, झुला गया है ना। और इसके बाद किसको मारने वाला है इसके घर में से, किसको बेटे को, मरद को, किसको? घर में कामा मामा क्यों नहीं बन रहे, उनके पैसा क्यों नहीं टिक रहा, कुछ कर रहा था क्या वो, पैसा भगा दे रहा था, कर्जे में डुबा रहा था, लड़ाई भी लगा रहा था, नालायक सब मालूम था मुझे, काटूंगा वो हाथ तेरा। लगा लगा, जोर से पूरी ताकत लगा लगा, पूरी ताकत कितनी है बता दे रही, तेजी के साथ में और जोर से। हाँ चल लगा, पूरी ताकत लगा, कितने साल से परेशान कर रहा था, जला उसके अंदर आग लगाओ तेज से, जलाओ जलाओ उसको तेज से जलाओ, जरा उसको और तेजी से, जरा नाला को आग लगाओ उसके अंदर से, जकड़ लो उसको और तेजी से, कितने साल से परेशान कर रहा था, कितने साल से झुरा रहा था, कितने साल से, झगड़ो उसको और तेजी से, झगड़ लो उसको और तेजी से, कितने साल से परेशान कर रहा था, 6 साल से। जादू चलाते टाइम में क्या लेके गए थे उसका, क्या लेके गए थे, क्या नाम क्या है, अबे इनका नाम क्या है, रहनुमा भी, रहनुमा भी का क्या लेके थे जादू चलाते टाइम पे, क्या लिए थे, जबड़ो उसको नाला को और तेज से, अब इसके हाथ तोड़ दूंगा मैं, दोनों हाथ काट दूंगा, दोनों हाथ काट दूंगा मैं, क्या जोर से बोल, क्या सुनने नहीं आ रहा मुझे, जकड़ लो
उसके हाथ काटने वालों को बुलाओ बाहर से, जंजीरा डाल के ले लो उसके, वो दोनों हाथ तोड़ दूंगा मैं। तू कहां से आ रहा? हाँ देख मैं कहां से आया, लोगों का जुलूम देता तू, हाँ मेरे राज में मनमानिया कर रहा, हाँ नाला देखा क्या किसका राज चलता तो, हाँ उसको औरतें से बाहर से बुलाओ जंजीरा वालों को, बन के डालो उसके दोनों हाथ काट लूंगा मैं, क्या इसकी मुंडी काट लूं क्या रे, तेरी मुंडी काट के ले लूं क्या? कहां से लाए थे तुझे, शमशान से कब्रस्तान से कहां से? ये हाथ भी काट लेता हूँ, ठहर बहुत हद ना चल गई, ना ये हाथ दे दे मुझे, अभी हाथ हुआ मुझे ले लेता हूँ, काट जगड़ो उसको तेजी से, इतर वाले इतर लगाओ उसकी नाक, या दूसरी शीशी रहा पूरी गिर गई, वो हाथ में पकड़ के बैठना था ना दुकान से नई शीशी लेके आजा, जगड़ो उसको तेजी से, मैं तुझे मार दूंगा, तुझे पाटल में डाल के जमीन में गाड़ दूंगा, बोल नहीं, मैं तुझे पाटल में डाल के जमीन में गाड़ दूंगा, डाल दूं गाड़ू, बोल क्या रोग लगाया था तूने इसको, क्या बीमारी, क्या लगाया था, धुल क्या ला रहा था, धुल क्या बोले तुम, सिर में ढोल बज रहा था, ढोला बजा रहा था उसके सिर में, आ नारक इतनी हिम्मत तेरी, बच्चा है ना मारे, और क्या कर रहा था, आ क्या पाँव की मट्टी ले आए थे, अभी मैं वो लोगों का नाम नहीं पूछा किसने जादू करा इसके ऊपर, अभी नाम मत बताओ, जब मैं पूछूंगा नाम जब बताना, नारक अभी तुझे मार मार के भस्म करेंगे हम, कहां से लाए थे तुझे, शमशान से कब्रिस्तान से, हाँ चल दे, कोई तेरी दाल कर लेने देते यहाँ पे, बुलाओ बाहर से और बुलाओ उसको तेज से, जंजीरा डाल के कस दो उसको, एक महीने के मुद्दे नहीं, एक महीने के बाद मार देने वाला था, हाँ कैसा मारने वाला था, कैसा कैसा सांस रोक के हाथ ला के कैसा मारने वाला था, जिंदगी बाप जीवन देखा यहाँ कैसा अल्लाह का कलाम किताब, निकालो हाँ वो निकालो, हाँ बिस्मिल्लाह रहमान रहीम मोहम्मद अब्दुक रसूलुक फलात किल्ला रसूलिक किल्ला नफ्सी तुक्रबनी लशब मुगन तुक्रबनी लशब मुगन वन्नी لا تقلل الله رحمتك واجعلني عندك وعدم توفي لك مقرد انك لا تخلف الميعاد وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد ولاصحابه اجمعين برحمتك ارحم الراحمين اللهم فاطر السماوات والارض والله عالم الغيب والشهاده انت الرحمن الرحيم اللهم اني احد اليك في حاضر الحياه وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد ولصحابه أجمعين برحمته يا الراحمين तुझे
शमशान से कब्रिस्तान से कब्रिस्तान से औरत लाया था, आदमी लाया था, नाम मत बोल खाली, औरत लाया था, आदमी लाया था, कौन लाया था? कौन लाया था? कौन? अच्छा तू कौन था मरने से पहले, तेरा क्या नाम था? मिर्जा हामिद बेग। क्या नाम था तेरा मरने से पहले? जल्दी जल्दी क्या नाम था? जकड़ो उसको, नाला इतर लगा रही, करा के लेके पानी पिला। भगा दे रहा था तू उनको, रास्ते में सीधर नहीं आने दे रहा था तू उनको। तू कहाँ का है रे? हाजरा तभी का हूँ मैं, घर आने का चला देखा क्या, देखा कैसी आज की बात को चपड़ो उसको, ना लाए कुछ मुंडी को दिखे चपड़ो उसको और तेज से गिलास में पानी, गिलास में पानी ले, दम करा पिला। दम करा पहले उसमें का लो ना, एक ही चीज इसके पेट में से भी आग लगाएंगे, अंदर से भी जकड़ लो उसको तेजी से। आगे लो आगे लो, मैं गाचा नहीं दिखाएगा। अरे वो इधर कौन गिरा है पानी के अंदर, देख के तो डालो ना रे, ऐसे कैसे पानी पिला रहे? मैं गाचा नहीं दिखाएगा, जकड़ लो उसको और तेजी से, क्या अच्छा नहीं दिख रहा देखूं। ये रन दो उसमें डालो, लोगों के दिमाग का काम नहीं करते क्या? इसमें डालो गिरा दे रहा है, दो उसको जकड़ लो इसको जरा तेज से और मारो उसको जंजीरों से। डालो क्या समझा था तूने मेरे को, नींबू काटने वाला समझा था? माला आधा ग्लास, देखा कैसी ताकत है यहाँ, आधा ग्लास दो, देखा क्या तू नाला एक माय माला एक माय, लोगों को तकलीफ देने वाला माला रोता, अब इसके पेट में से भी आग लगेंगे। اللهم فرد السماوات والارض ظالم الغبش ابن عبد الرحمن بن اللهم اني احد اليك في حاضر الحياه لا اله الا انت وحدك لا شريك لك محمد محمد عبدك ورسولك فلا تجد الا نفسك فاني تجد الا نفسك تقرب الى سلمك واني لا تقول الله رحمتك وجل منك وتنظر في ذلك من خلال منك لا تقل في الميعاد صلى الله تعالى خير خلقه محمد واصحابه من رحمه يا الرحيم جلاو اس کے پیٹ میں سے آگ لگاؤ جلاو اب اس کے پیٹ میں سے بھی اندر سے جکڑ لو اے بات مت کر پیشنٹ کو نہ تو بھوکا ماریں گا شیطان تیرے منہ پہ بک کر کے جکڑو اس کو اور تیزی سے ہاں جلاو 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 تیزی سے آگ لگا دو اندر سے اس کے پیٹ میں سے मारने वाला था मैं, तकलीफ नहीं दे रहा दम कर लो पहले।
गर्दन में पिट लो। जकड़ लो उसको और तेज जकड़ो, गर्दन टुकड़े कर देंगे छोटे छोटे, जकड़ो उसको तेज से। जोर से सुने नहीं आ रहा मुझे, क्या बोल रहा तू? किस चीज में मिला के खिलाए थे उसको? कैसा कर दे? कहां से आया था तू? क्या है दास्तान? बोल मुझे, क्या है तेरी कहानी? कहाँ से आया था? जकड़ो उसको जरा तेज से, लाओ बाहर जंजरा मारो उसको, दाल के जंजरा मारो उसको, बन के जकड़ो उसको जरा तेज से। चले हीरो, जब तक इसमें का इतर दो निकाल के पूरा होगा। कैमरा वाला उसमें क्लिक करके रखा था, धन्यवाद वहां चल जा दोस्त, तुम धोखे अच्छा करके लाओ उसमें। जकड़ो ये नाला कुत्ते जिस साथ में, अब मैं इसका हाथ काट लूंगा एक, मुझे ये हाथ दे दे, बहुत सता रहा था करते तू, दे दे ये हाथ, दे दे काट दे, दे 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 जल्दी से जकड़ लो उसके हाथ कुत्ते जिस साथ में। मैं किसको नहीं मिला था, बोल रहे नाला कहाँ से आया था?
ये बच्चे मैं अच्छा नहीं दिखा रहे। क्या अच्छा नहीं दिखाता तेको? क्या अच्छा नहीं दिखाता? हसद जलन, क्या बोल रहा था? हसद और जलन की वजह से अल्लाह ने अजाजील के गले में लानत का तौख बना दिया था, जिसको इबलीस का लखब देकर जमीन पर फेंक दिया गया। हमारा उसको नालायक और दिल से हसद जलन बहुत बुरी चीज है। शैतान जन्नत का बहुत बड़ा फरिश्ता था, इबादतों की वजह से उसको इतना बड़ा मकामात मिले थे कि 70,000 फरिश्ते झूला देते थे उसको, जो झूले में बैठता था उसके बंगोई को। लेकिन उसके दिल में हसद और जलन नहीं, उन्होंने सस्ता नहीं करा अल्लाह के हुक्म को। हाँ निकाल लेता, सब निकाल लेता, ढोल की आवाज निकालो उसकी, मार मार के तेजी से बाहर। वो तो दिमाग में बैठ कर ढोला बजा रहा था, करते क्या होता था रे? डीजे बजता था अंदर दिमाग में। कब से हो रहा था ये? 5-6 साल में मेरे बहन की शादी हुई थी। इलाजों को बताए थे? और दूसरे इलाजों वालों से डर रहा नहीं था तू? किसके पकड़ में नहीं आ रहा था? यहाँ कैसा लाए पकड़े थे तू? देखा ना, ये अल्लाह के कलाम की ताकत है यहाँ पे। इंसानियत को तकलीफ और जुल्म की दास्तान क्या बयान करूँ मैं? बहुत सारी बातें, बहुत सारे राह देखो, मैं प्रैक्टिकल भी बता रहा हूँ। जकड़ो उसको नाला को, इधर लो दम करा के लगाओ उसकी नाक में और गर्दन पे। सबका अलग अलग रहता, किसका पहली बार में आता, किसका दूसरी बार में, किसका तीसरी बार में, किसका चौथे राउंड में, सबका अलग अलग सिचुएशन देख के कितना उठ रहा। वो पहली बार में झगड़ा उसको और तेजी से, और मारो उसको बहुत। ढोल बजा रहा था, ढोल फोड़ दो उसका, कुट्टा ढोल बनाओ उसको नालायक को। दिमाग में मट के क्या तकलीफ होती थी? क्या क्या ढोल बजता था? डीजे का वाला था, खाली सुनने सुने भी नहीं आता। अच्छा, ये तुम्हारे सुने नहीं आता था? जोर से बोलना पड़ता कान के पास। अब मैं बोला था सर सुने आ रहा था, सुने नहीं आता बोले तो शैतान ने कुछ बता रहे उन्होंने कि सुने नहीं आता था उनको। अब यहाँ कैसे सुने आ रहा? मैं बोलते मेरी आवाज और इन्हें ये बीमारी नहीं थी, ये क्या था तुम इस देर को? रात में ज्यादा तकलीफ होती थी। जबड़ो उसको नालायक, जकड़ लो उसको और तेज। कितने इंसानों को मारा, कितने इंसानों को मारा, कितने इंसानों को मारा, जल्दी जलाओ 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 उसको तेज से। आ रहा उसके अंदर पानी पिलाओ उसके पेट में से, और आग लगाएंगे दम करके। कितने इंसानों को मारा अभी तक? हाँ जलाओ, हाँ आग लगा दो उसके सब में, आग लगाओ। भानमती क्या करा था? हाँ सिफली काला जादू क्या चलाया था? उसके बेटे को मारने वाला था क्या? हाँ किसको मारने वाला था फिर? इसको मारने वाला था ना, मरद की टांग का लंगड़ी करने वाला था, एक्सीडेंट करके करने वाला था, बगैर एक्सीडेंट के। क्या क्या टांग कैसी लंगड़ी करने वाला था, एक्सीडेंट करके बीमारी डाल के? कैसा? जल्दी टांग ने मेरे पास, काट के भस्म कर दूंगा नाला, दो टुकड़ा कर दूंगा चीर के। हाँ जल्दी
शेर के बाल लिया था। किसके नाम बोल उसका, किसके लिया था? उसके मरद के चोकरी के। अच्छा, सिर के बाल। और क्या लिया था? पवन की मूर्ति। और मरद का क्या लिया था उसके? जगड़ लो उसको और तेज जगड़ो, और उसको बन के डालो उसको नालायक। बाद में मैं उसको काट के दो टुकड़े करके भस्म करूंगा उसको। कब मारने वाले इसको? अम्मास में, पुन्नम में। कब थी मुद्दत की आखिरी डेट? कब थी मुद्दत की आखिरी डेट? जकड़ लो उसको और तेज से। क्या जोर से बोल, सुने आना नारा हम आपको जोर से। हाँ बोल। लगा ले पूरी ताकत कितनी है तेरी। चल तौबा कर जल्दी दोनों हाथों से। तौबा करता छोड़, जल्दी तौबा कर, जोर से तौबा कर, जल्दी जोर से। कितने लोगों को मारा अभी तक, कितने लोगों को मारा अभी तक? हाँ, तीन लोग। क्या नाम थे उनके जो मरे? तो जो लोग मरे तो वो हिंदू के थे, मुसलमान के थे? कितने हिंदू थे, कितने मुस्लिम थे? किसको मारा? किसको मारा था? चोकरी को मारने वाला था ये मैं। इससे पहले और किस किस को मारा? कैसा मारा उनको? एक्सीडेंट करके, बीमारी डाल के? पैसा बीमारी डाल के मारा था। तीन औरतें थे, आदमी थे, क्या क्या थे? दो आदमी। और कितने? ये तीसरी थी क्या ये? ये बच्ची तीसरी थी? अजमेर मारा तीनों भी? हिंदू के थे, मुसलमान के थे? चुपके से क्यों लिया उनकी जिंदगी? क्या जरूरत थी उनकी जिंदगी लेने की? ऐसा कौन बोला? तुम लोगों की चिंता क्या ले लेता हूँ ऐसा? तो मैं तुझे और मार मार के मेरे को भी ना देखने देगा वैसा तू? तो जुलम ले रहा था, मैं तुझे फिर पसली देता हूँ तेज से। इसका भी देखे निगाह मेरे को, इसका भी देखे निगाह मेरे को। इसके मरद को कैसा मारने वाला है? मार के डालने वाला था मैं एक महीने के बाद इसको। और इसके मरद को? मरद की क्या, टंगड़ी तोड़ के मारने वाला था? टंगड़ी सुखा के, बीमारी डाल के, क्या करके? हाँ बोल, हाँ बोल, जल्दी बोल, जल्दी बोल। टाइम नहीं मेरा, उसको काट बोल तुम। करवा तराज मध्यू रहने गु, तराज मध्यू तो बाकर जल्दी दोनों हाथ उठा के ऊपर को। हाँ, दोनों हाथ जल्दी ऊपर। मेरे
बेटा सुन ऐसा कर रहा बेकसूर थोड़ी है तू, बेगुनाह को तो सजा नहीं देता, नहीं बेगुनाह थोड़ी है, बेगुनाह है बोल रहा, ऐसा आंगो में आके परेशान कर रहा, जाना ले रहा, मार रहा, हाँ फिर बेगुनाह बोल रहा, खुद को नालायक, इससे पहले तीन लोगों को मारा, कैसा छोड़ेगी तुझे? कैसा मारा था रे तू? तकलीफ मर दियो रे बाबा, कैसा मारा था तू? तकलीफ क्यों नहीं रे मेरे जी, और दोस्तों तकलीफ तेजी से मारो उस पर, तकलीफ क्यों नहीं रे तू? कैसा मारा था? अरे जिंदा है मर गया, जिंदा है मर गया, कौन है तेरे एरिया का बादशाह जिन्नात का नाला? उसको बोल के अभी ठहर, तेरे गुस्सा फैद करने लगा था, आपका तेरे रात चल रहा था, तुम्हारा क्या है बच्चे? मत दियो मेरे को, थरास मत दियो मेरे को, इतनी दिन ताकत इतनी है, जोर से जरा सबको सुने आना, जोर से हाथों में, पैर में, गले में, ये कमर में ना, गलत चली गई सर, पिलाने के ताबीज नहीं पिलाना, तुम बच्ची को क्या तकलीफ देने का तुझे, और दूं तकलीफ, और दूं तेजी से, चलिए पैर हमको दे दे, हम काट के ले लेंगे तेरा पैर, तेरी गर्दन में से मुंडी काट दूं, दो टुकड़े करूं, हाँ तेरी मुंडी काट के मैं ले लूंगा, बाहर दरवाजे पे टांग देता हूँ, कितने लोग आ रहे जा रहे हैं, हाँ जैसी करनी वैसी भरनी, लाया रहमुल्लाहुम लाया रहमुन्नास, अल्लाह उस शख्स पर रहम नहीं करता जो लोगों पर रहम ना करे, तू तो नालायक बहुत ही बड़े कारनामे कर रहा, जानत ले रहा लोगों के, फिर मेरे से रहम की उम्मीद रखा, ऐसा नाम खराब कर रहा लोगों का, कमबख्त कौन सा गंदा पलसी का था, छोड़ मेरे को, कैसा मरा था? मिला अरे रे 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 रे, तेरा बेटा भी मर गया ना तेरे से उलट पुलट जादू टोने करने की वजह से, देखा क्या जैसी करनी वैसी भरनी, लोगों को मार रहा ले खुद का मर गया, चलो इसे बाकी सब आगे पूछेंगे, अभी इसको बन बन के रख के इसको मारते रहो नाला है, आगे की दास्तान अगले राउंड में नामा भीमा सब लेंगे, क्या दास्तान दे, जकड़ लो इसको और तेज सर बन के डाल दो इसको जंजीरों से, और इसको इतना मारते रहो, इसको मार मार के इसको चिंदी बना के मेरे सामने लाओ दूसरे चक्कर में, इसका कचुंबर बना के लाओ मेरे सामने दूसरे चक्कर तक, फिर कौन डाला था सारी दास्तान में बयान करेंगे अच्छे से, पहन लो गिलास में डाल, जाओ उसको मेरे सामने से नाला, पिला लूंगा, छोड़ दो, अरे क्या हुआ जी, कहां से आए, कौन से गांव के है, कहां से आए, कल गांव से, ये कौन है, ये देखो ये कौन है, ये कौन है, लड़का है, अब क्या हो रहा था, कुछ याद है क्या, सवाल जवाब कुछ याद है, आवाज आ रही थी ढोल की, और क्या हो रहा था,
खैर भाई हम कोशिश कैसे कैसे किस्म के जादू टोने रखते कैसे कैसे किस्म की इसमें ये इसलिए तो सख्त मना करे लो ना। अब देखो ये कैसे किस्म का इनके दिमाग में कुछ तो भी बोलते है, उनका बच्चा बोल रहा है कि ढोल की मानी कुछ म्यूजिक की मानी कोई डीजी वीजी कुछ बजता बजा के बजीना हराम कर दिए थे सुकून, और उनको नींद भी नहीं आती थी रात में दिन में। और क्या होता था कोई तकलीफ हो जी और क्या होता था और दूसरी बात क्या कौन करा क्या करा वो तो आधी से आधी दास्तान तो बता दिया बच्चियाली आदि है वो सब अमल के दौरान में इंशाल्लाह सब अमल करा क्रेडिट करा दूंगा। मगर ये खैर ये जो दास्तान रहते ये जो सब करनी कब करना क्या हाँ अब तो पूरा राइट हो गया। अब बजरा क्या ढोल अब बजरा क्या ढोल बजरा क्या अभी है थोड़ा थोड़ा बजरा पहले जैसा बजरा क्या क्या हुआ कितना बजरा अभी कितना कम हुआ उसका म्यूजिक जो पहले बजता था वैसा बजरा क्या थोड़ा कम लग रहा थोड़ी सी कम हुआ तभी निकालेंगे खैर वो सब अटके वगैरह उस तरीके से वो कैसे तरीके से बिठाया वो सब कराता हूँ। ट्रेला तो देख लिए क्या दास्तान थी ऐसा करता सुने भी नहीं आता बोल रहे थे लोग ऊंचा सुने आता तो देखो क्या है मैं जब पूछ रहा तो बराबर कैसे सुने आता तो ये कितनी दूर आ गए मुझे दास्तान कितने दूर आ गए कहाँ से आ रहे सुबह से निकले ना कहाँ से आए खुद दूर से आ रहे कौन सा गाँव कौन सा जिला है तुम्हारा जिला कौन सा है खुद दूर से आ रहे अच्छा तो खैर अब ये सब इस तरीके रहती है ऐसा करके दूसरों की जिंदगी और सबसे आधे से ज्यादा दशा में से आधे से ज्यादा जो दास्तान चड्डी में सब देख रहा हूँ हसद और जलन की वजह से कर रहे लोग कि तुम उसकी तरक्की कैसी हो रही उन्हें अच्छा कैसा रहा होगा कैसा ये एक्स वाई जेड सारे दास्तान है बहुत ही बुरी बात है और बेकार। हाँ हाँ अल्हम्दुलिल्लाह सब तो सब राइट होता नमाज नमाज पढ़ते क्या पांच टाइम की नमाज पढ़ते जाओ नमाज़ पढ़ते कुरान शरीफ भी पढ़ती पर तकलीफ से नहीं पढ़ना मालूम क्या हो रहा था पढ़ने लगे तो तकलीफ ढुल के रहनुमा भी ज्यादा बज रही थी पढ़ने लगे तो भी नहीं आ रहा था तुम पढ़ने कर रहे थे कोशिश तो क्या लग रहा था बोलते कैसे महसूस हो रहा था क्या मैं पूछता हूँ तुम्हारा आवाज भी जाता और भी दिन निकला के ऐसी शरीफ पढ़ती मगर अभी तकलीफ से पढ़ना नहीं मालूम हो रहा था कुछ तकलीफ नहीं नींद नहीं लग रही थी सवाल जवाब करके गया तुम आप सवाल जवाब कुछ याद है क्या बिया हो रहे थे तो धीना ना हो सब चक्कर सुनने जा रहा हूँ सब बोल रहा हूँ कल चक्कर आ रहा बोल रहा चक्कर आ रहा ठीक है जाऊँ दोपहर ले जाओ पानी वानी पिलाऊ लंगर खाना वाना खिलाऊ फिर बताता हूँ मैं क्या करना चलो हाँ खाना की ना खा कब खाए खाना खा लाए थे ना हमने सुबह से बिना खाने के निकले थे लाए थे खाना खाए ठीक है चलो। खैर ये सब ऐसे दास्तान रहती है बहुत ही गलत बात है। और दूसरी एक बात है कि इबादत की रस्सी को मजबूती से थामो कुरान हदीस से दुआएं सब याद करो घर में एक मामूल बनाओ कोई भी एक टाइम में हदीस पढ़ के सुनाने का सीखेंगे और सीखेंगे तो बहुत अच्छी बात है। दुनिया पानी है सबको मालूम है आज नहीं तो कल फना होने वाली है इस वास्ते बेहतर है मेरा जहाँ तक कहना है तो हदीस कुरान इसके इल्म को बढ़ाओ एक दूसरे को सीखो सिखाओ समझो तो तुमको सब समझ में आएगा हर चीज का इल्म से तुम वाकिफ होंगे दुनिया के सारी गंदे इल्म तुम गंदे इल्मों से महफूज रहेंगे अगर कुरान और हदीस की रस्सी को मजबूती से थामेंगे तो। दुआ मोमिन के लिए अल्लाह ने हथियार बनाया क्यों हथियार है देख लिया ना इसलिए हथियार है क्योंकि मैं मेरे मुंह से कुछ बोलता नहीं मैं अपने जबानी बताकर क्या फायदा होने वाला है अगर मैं जबानी बोलूंगा तो कितना सही बोला कितना गलत बोला नहीं पता लेकिन मैंने जो पूछा रहा हूँ मैं दास्तान तो कैसी सामने आ रहा है सब देख लिया ना कैसा मसला है और ये सबको नहीं देता अल्लाह ये सब ताकती बातें सब कुछ अल्लाह के चुनिंदा बंदे कुछ चुनिंदा राज बहुत सारे बातें उसकी डेफिनेशन अलग रहती है वो डेफिनेशन में लग जाओ सब समझ में आएगा तुमको क्या रखते क्या क्या है क्या क्या मसले हैं। और बस खैर इतना ही बोलूंगा मैंने तो किसी का जाकर कुछ बिगाड़ा नहीं जो लोग मेरे को बुरा बोलेंगे मेरे को सिर्फ दो लोग बुरा बोलते हैं एक बात याद रखना एक जिसका नाम यहाँ पर निकला जादू टोने कर रहा लोगों पे बोलकर उन्हें क्या करता बिलावज पकड़ा मेरा दुश्मन बन के मेरे बुरा यहाँ करता तुम्हारे सामने कोई भी अगर मेरी बुराई कर रहा तो समझ जाना एक तो उसका नाम निकला उसकी माँ बहन बेटी या उन्हें कोई तो भी लोगों पे जादू टोने कर रहा बोलकर और या दूसरा वो शख्स बुराई करता मेरे बारे में जिसके आंग में कोई शय बैठी रहती
क्योंकि हमेशा हर शैतान जिन्नात चुड़ैल ये बोलते कि हम बुराई कर रहे थे पेशेंट के अंग में आकर कि वहां मत जाओ, इलाज नहीं होता, जो भी एक्स वाई जेड जो भी बात है, तो वो उन्हों बोलते, देख लिया ना ये सब शैतानों का बात है, ये सब उन्हों करते। और जिसका नाम निकलता उन्होंने करा, मेरा क्या है, लोग जबरदस्ती पूछते नाम बोलो कौन डाला, फिर उसको पूछ कर कुछ आना पड़ता कौन डाला। फिर जिसका नाम निकलता उन्हें बिला वजह देख कर बोलता क्या मेरा नाम कैसे निकला, फिर उन्हें ऐसे उन्हें वैसे उन्हें यूं है बुरा भला बोलते रहो। तो बुरा जो बोल रहा हूँ समझ जाना, बुरा तो गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह को बोले, सबको बोले, नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में भी लोगों ने कांटे ला कर डाले। फिर अल्लाह ने तब्बत यदा का सूरह नाज़िल करा, लानत और तौख डाल दूंगा अल्लाह ने कहा जहन्नुम में आग का, अबू जहल और उसकी अबू लहब और उसकी औरत के गले में सब आग आना, फिर तब्बत यदा की सूरह। तो आप इन्हें अपनी क्या मिसाल, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में कांटे डाले लोगों ने, बड़े बड़े अल्लाह के वलियों को, ये पैगंबर को, सबको बुरा कौन बोलता है। अब आएगा मेरे समझ में, और सबको समझा दिया हमने कि जिसके आंग में तो कोई शेर थी वो शेर को डर रहा था, यहाँ चले गए तो पकड़ के काट के भस्म कर देगा। दूसरा वो बोलता जिसका नाम निकलता लोगों पे जादू टोने कर रहा था, फिर उन्हें बच्चा नहीं हो सकता ना, अगर उन्हें बोला तो फिर तो लोग बोलेंगे अरे फिर तुमने पक्का जादू कर दिया। तो ऐसा उन्हें खुद को बचाने के वास्ते अच्छे ही को बुरा बोलता, झूठ हमेशा ऐसी बात रहती, कितना भी बोल के सच सच रहता और झूठ झूठ है। देखो तुम बोल दो जस्टिफाई करो, मैं क्या बोल सकता, मैं सिर्फ इतना बोलूंगा कि इबादत की रस्सी को मजबूती से थामना दुआ मोमिन के लिए हथियार है, और दुआओं का सहारा लेना। और ऐसा दौर चल रहा कि मोबाइल में ऐसा एक मिनट में टैप कर दो, तुम्हारे सामने हर वो दुआ, खाना खाने की, जाने की, आने की, फिरने की, सब तुम्हारे सामने है, तुम पढ़ो और पढ़ के अमल करो, जब तुम महफूज रहेंगे। ठीक है, चलो अल्लाह तुम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक दे। ठीक है।